Hello friends, welcome back to the channel. The song that we are going to learn today is Bella Ciao from Money Heist. That's a series from Netflix. There are many fans of this song, so I decided to make a tutorial of it. We are going to learn this song in just 8 simple steps. Now, when I say simple, these are really simple. Here I'm going to use a D natural medium scale flute. You can use the flute that you have, irrespective of the scale of flute, the notations are going to work. So the first line of this tune goes like, ध रे ग म रे, फिर से ध रे ग म रे, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। जो सेकंड पार्ट है वो रिपीटिशन है फर्स्ट पार्ट का, तो आपको फिर से वही बजाना है जो फर्स्ट पार्ट में हमने बजाया। फर्स्ट पार्ट, ये हमारा सेकंड पार्ट। सो बेसिकली फर्स्ट और सेकंड पार्ट एक ही है, ओके? अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है, तो इसके नोटेशंस हैं ध रे ग म ग ग रे म ग ग रे, फिर से ध रे ग म ग ग रे म ग ग रे। सो और इसको बजाना कैसे है, फिर से। अब अगर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को एक साथ बजाएं तो, तो ये हुआ हमारा थर्ड पार्ट। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट के नोटेशंस हैं ध ध ध, सिर्फ इतना, ये है हमारा फोर्थ पार्ट, ध ध ध। सो ये हुए नोटेशंस। अब इसको बजाना है प से उठा के। सो तो हर ध को प से ऐसा फ्लिक करके बजा रहे हैं। सो फिर से, ठीक है, अगर थर्ड और फोर्थ को साथ में बजाएं तो, ये हुआ हमारा फोर्थ पार्ट। अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट के नोटेशंस हैं प ध कोमल नी कोमल नी, प ध कोमल नी कोमल नी। सो तो ये जो नोटेशंस है वो हैं प ध कोमल नी कोमल नी। कोमल नी कहने का मतलब ये जो होल है ध का, इसको थोड़ा सा ओपन करना है, बिल्कुल 5% में भी, जिससे कि सिर्फ एयर यहाँ से पास हो जाए, ठीक है। ये पूरा ओपन हुआ और ये बिल्कुल थोड़ा सा ओपन हुआ, तो ये बजेगा कोमल नी। सो ये है ध, थोड़ा सा ओपन कर दें तो ये है कोमल नी, कोमल नी, ध कोमल नी। तो ये हुआ प ध कोमल नी कोमल नी। अब आते हैं इसके सिक्स पोर्शन पे। सिक्स पोर्शन के नोटेशंस हैं कोमल नी ध प कोमल नी ध ध, कोमल नी ध प कोमल नी ध ध। सो ये जो लास्ट वाला ध है इसको टैप करके हमको बजाना है, ऐसा दो बार टैप करेंगे, कोमल नी ध प कोमल नी ध, ये टैप करके, कोमल नी ध प कोमल नी टैप करके ध। सो so,
अगर ये ध टैप करके आपसे नहीं बजे तो आप इसको सिंपल बजा सकते हैं। अब आते हैं इसके सेवंथ पार्ट पे। सेवंथ पार्ट के नोटेशंस हैं ध प म ग ध, ध प म ग ध। ध प ये म ग ध, ध प म ग ध। ये सारे नोटेशंस मिडिल ऑक्टेव पे बज रहे हैं। सो अब अगर फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ पार्ट को एक साथ बजाएं तो ये ऐसा सुनाई देगा। और अब आते हैं इसके लास्ट एट्थ पार्ट पे। एट्थ पार्ट के नोटेशंस हैं ग म ग रे रे, बहुत सिंपल ग म ग रे रे। सो फिर से वो रे जो है आखिरी का उसको टैप करके बजा रहे हैं। दो बार रे बजाना है तो रे को टैप करेंगे, ग बजाने के बाद रे को टैप करेंगे। सो अगर सेवंथ और एट्थ को साथ में बजाएं तो so this was the whole tutorial for Bella Ciao from Money Heist. All you need to do is practice each of the parts individually and combine them so that they sound like the actual song. If you like this video, do subscribe to the channel. Share this video with someone who wants to learn flute. Comment down what are the songs that you want to learn. If you want to contact me, you can contact me on my Instagram at anurag_soumya, or you can email me at soumyanurag@gmail.com. If you want to learn flute online, you can contact me there. So I'll be seeing you in the next video. Till then, bye bye, take care and practice well.